and welcome to Swim Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is Newton's third law of motion. इससे जो हमारी पहली previous class थी, उसमें हमने second law of motion को क्या किया था, discuss किया था. तो basically second law of motion क्या होता है? वो होता है कि जो rate of change of momentum होता है, वो directly proportional होता है force के. ठीक है? अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा. और अगर चेंज इन मोमेंटम में लगने वाला जो टाइम है अगर वो ज्यादा हुआ तो फोर्स क्या होगा, कम होगा. ठीक. और अगर टाइम कम हुआ तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक. तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के. ठीक है. तो वहां पे ये था कि अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो रहा है तो उस बॉडी पे फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. ठीक. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, पहले एक एग्जांपल दूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं आपको फिर इसका थ्योरी पोर्शन समझाऊंगी, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल कुछ भी नहीं है. इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है. तो इसलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. अच्छा, जब हम लोग वॉक करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, वॉक करते हैं अर्थ पे या जमीन पे वॉक करते हैं, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि हम वॉक करते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ते जाते हैं? तो क्या होता है कि जब हम वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फीट से हम क्या करते हैं कि ये अगर हम क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो हम अपने पैरों से क्या करते हैं, जमीन पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं. क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक. तो क्या होता है भाई, जो हमारी जो अर्थ है, जो जमीन है, वो कह रही कि तुमने मुझे फोर्स अप्लाई किया, लो मैं भी तुम्हें फोर्स अप्लाई. तो जमीन भी क्या करती है, जो जमीन होती है वो भी क्या करती है, वो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का क्या करती है, फोर्स आप पे अप्लाई कर देती है. वो क्या करती है, फोर्स आप पे अप्लाई करती है कि अगर तुमने मुझ पर फोर्स लगाया है तो भाई मैं भी तुम पे फोर्स लगाऊंगा. ऐसा कैसे, तो जैसे ही आप अपने पैरों से चलने के लिए, आप अपने पैरों से जैसे ही फ्लोर पे आप क्या करते हो, प्रेशर फोर्स लगाते हो, तो क्या करती है, जो हमारी फ्लोर होती है, जो जमीन होती है, वो भी क्या करती है कि वो भी फोर्स लगाती है, वो भी फोर्स लगाती है. उस फोर्स की वजह से ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, हम क्या करते हैं, आगे चल पाते हैं. क्यों, क्योंकि हमने एक फोर्स लगाया जमीन पे और जमीन ने मतलब रिएक्शन करके उसने दूसरा फोर्स लगाया हमारे ऊपर. जैसे मान लीजिए कि अगर आप हैं, खड़े हैं, अगर कोई आपको धक्का दे दे तो आप क्या करते हैं, खुद ब खुद चलना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. तो वैसे ही ये है कि आपने चलने के लिए क्या किया, अपने पैरों से फोर्स लगाया कहां, अर्थ पे, जमीन पे. तो जमीन ने भी क्या किया, उसके बदले में उसने भी क्या किया, एक फोर्स जो है सेम मैग्नीट्यूड का. अगर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, लेकिन क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में. अगर आपका डायरेक्शन ये था तो वो फोर्स लगाएगा आपको इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जब वो आपको फोर्स लगाएगा, इट मीन्स कि वो आपको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. और उस फोर्स की वजह से आप क्या करते हो, चलना शुरू कर देते हो, आगे वॉक करना या चलना क्या करते हो, शुरू करते हो. किसकी वजह से, ये जो फोर्स लगाता है कौन, अर्थ, जमीन या अर्थ जो है वो आप पे जो फोर्स लगाता है उसकी वजह से आप क्या करते हो, चलना शुरू कर देते हो. ठीक है. तो ये बात ये आई कि आपने एक एक्शन किया, आपने जमीन पे एक एक्शन किया, जमीन ने उसी एक्शन का एक रिएक्शन दिया. आपने फोर्स के थ्रू एक एक्शन किया जमीन पे, जमीन ने उसी फोर्स के थ्रू आप पे क्या किया, रिएक्शन किया. ठीक है. तो ये बात है जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, वो बात है एक्शन और रिएक्शन की.
तो अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो वो बंदा भी आपको क्या करेगा, थप्पड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि आपने किया एक एक्शन, उसके बदले में आपको भी पड़ा एक रिएक्शन उसका। ठीक है, अगर आप किसी को पुश कर देते हो तो सामने से वो भी आपको पुश करेगा, वो भी आपको पुश करेगा, लेकिन उसमें ये गारंटी नहीं होगी कि वो मैग्नीट्यूड। अब एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी हम इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कि एक बोट है, ठीक है, आप उस बोट पे हो, ठीक, और आपको क्या करना है, आपको ये साइड है या ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहां से यहां जंप करोगे। जंप करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने लेग से जो है उस बोट को पुश करोगे, ठीक है, उस बोट को क्या करोगे, मतलब पीछे धक्का दोगे। बोट बोलेगा ऐसे कैसे, तुमने मुझे धक्का दिया तो मैं भी तुम्हें धक्का दूंगा। तो बोट भी अपना एक रिएक्शन देता है, बोट भी क्या करता है, अपना एक रिएक्शन देता है। उस रिएक्शन की वजह से, बोट के उस रिएक्शन की वजह से ही क्या होता है, आप जंप करके उस प्लेटफॉर्म पे आ पाते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने से जंप करके आ गए तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बोट जो आप पे रिएक्शन करता है उसकी वजह से ही आप क्या करते हो कि जंप करके उस वो उतना आपको उतना फोर्स देता है जिससे कि आप जंप करके उस प्लेटफॉर्म पर या नदी के रिवर के किनारे आप आ पाओ। वो आपको फोर्स कैसे मिलता है, जब आप किस उस बोट पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया, वो कैसा फोर्स अप्लाई किया, एक एक्शन किया, फोर्स अप्लाई कैसे किया, एक एक्शन किया, और उसी एक्शन के रिएक्शन में बोट ने भी आपको एक फोर्स दिया, उस फोर्स की वजह से ही क्या हुआ, आप जंप करके इस प्लेटफॉर्म पे आ पाए। जैसे कि मैंने इससे पहले वाला जो एग्जांपल आपको बताया था कि आप चल कैसे पाते हो जमीन पे, कैसे चल पाते हो, क्योंकि आप जो है अपने पैरों से जितना फोर्स अप्लाई करते हो, जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही फोर्स जो है रिएक्शन के फॉर्म में जो जमीन है वो आप पे अप्लाई करती है, वो आपको धक्का देती है कि चलो तुम आगे बढ़ो, मुझ पे तुमने फोर्स लगाया, ये लो अब मेरा फोर्स लो और तुम आगे बढ़ो। उस फोर्स की वजह से ही आप क्या कर पाते हो, चल पाते हो। तो ये एक है कि कोई भी एक्शन होता है तो उसका एक रिएक्शन भी होता है, चाहे वो आपकी बातों का हो या आपके एक्शन का हो, ठीक है, हमेशा एक एक्शन के साथ एक रिएक्शन भी होता है। लेकिन जो आप ये देख रहे हो, जो वॉक करने वाला है, अगर वो भी आप देखोगे तो ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपने एक्शन किया तो रिएक्शन थोड़ी देर बाद आएगा, रिएक्शन तुरंत मिलता है, उसमें जरा भी सेकंड की क्या होती है, देरी नहीं होती है। आपने जैसे ही जमीन पे चलने के लिए अपने फीट से क्या किया, एक्शन किया, फोर्स लगाया, तुरंत जमीन ने रिएक्शन किया, मतलब उसी टाइम जमीन ने क्या किया, रिएक्शन किया और आप जो है आगे बढ़ गए, ठीक है, आप आगे बढ़ गए। यानी जो रिएक्शन होता है, जो एक्शन और रिएक्शन का ये जो गेम चल रहा है, इसमें क्या है, ये दोनों ही फोर्सेस, ये दोनों ही क्यों, ये फोर्स है, ये क्या बेसिकली एक फोर्स है जो एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में है। तो ये जो फोर्स है ये सेम मैग्नीट्यूड का होता है, ये क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है, इसका अब डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है हमेशा, और इन एक्शन और रिएक्शन के बीच में कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होता है, कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होता है। जैसे आपने बहुत से कार्टून देखे होंगे ना, कार्टून ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं और दीवार से या दरवाजे से लटके फिर पीछे गिर जाते हैं, पीछे होके गिर जाते हैं। तो वो क्या हुआ, आप गए दौड़, चलते 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 वो कार्टून गया और कार्टून ने जैसे ही क्या किया, दीवार पे, कार्टून से दीवार पे धक्का लगा, कार्टून दीवार ने भी क्या किया, कार्टून के ऊपर जो कार्टून का कैरेक्टर था उसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया। जैसे ही एक्शन हुआ, दीवार ने भी क्या किया, रिएक्शन किया और वो कार्टून क्या होता है, पीछे चला था। उससे भी एक डेली यूज का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप कभी भी अगर अपना मुक्का लें और दीवार पे मारे, तो आपने मारा दीवार पे,
तो दर्द किसको होना चाहिए? दीवार को होना चाहिए। इफेक्ट किस पे होना चाहिए? दीवार पे होना चाहिए। फिर आपको दर्द क्यों हुआ? फिर आपके इस मुक्के को दर्द क्यों हुआ? भाई आपने तो सीधे दीवार पे मुक्का मारा, भाई दीवार का कुछ डैमेज होता, फिर आपके मुक्के को दर्द क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आपने दीवार को मारा मुक्का, एक्शन किया, वॉल ने भी आपको क्या दिया? बदले में रिएक्शन दिया। उस रिएक्शन, उस फोर्स की वजह से क्या हुआ? आपके हाथों में दर्द हो गया। आपके हाथों में क्या हुआ? दर्द हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने वॉल को मारा एक एक्शन और दीवार ने आपको दिया एक रिएक्शन। नहीं तो अगर सिर्फ आप ही, हम तो ये तो मानते हैं कि एक जो वॉल होती है ये एक नॉन लिविंग बॉडी होती है, ठीक है, तो उसमें तो कुछ नहीं। अगर आपने उसको मारा तो डैमेज वो होना चाहिए, आप थोड़ी, आपका हाथ थोड़ी ना डैमेज होना चाहिए, आपके हाथ में दर्द थोड़ी ना होना चाहिए। लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग भी क्या कर रहा है? आपको रिएक्शन दे रहा है, आपको रिएक्शन दे रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपके हाथों में दर्द हो जा रहा है, ठीक है। फिर आपको मैं और एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्या हुआ, ये सब एप्लीकेशन है, ये सब क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ की क्या है? एप्लीकेशन है। अब जैसे क्या हुआ कि गन रिकॉल्स होता है, ये व्हाट इज गन्स रिकॉल्स, ये क्या है? अब क्या हुआ कि कभी भी आप शूट करो, कभी भी शूट करो तो आप देखोगे कि जो गन होता है वो क्या होता है? वो पीछे की तरफ जाता है, वो पीछे की तरफ जाता है। वो पीछे की तरफ क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि उस पे हुआ है रिएक्शन, क्योंकि उस पे क्या हुआ है? रिएक्शन। उसने क्या, गन ने क्या किया कि एक फोर्स लगाया, गन ने क्या किया? एक फोर्स लगाया। किस पे लगाया? जो बुलेट थी उस पे उसने एक फोर्स लगाया, और वो बुलेट जो है उस फोर्स की वजह से वो तमतमाती हुई निकल गई गन से। लेकिन उस छोटी सी बुलेट ने भी क्या किया? उसने बोला ठीक है, तुमने मुझ पे फोर्स लगाया ना, मैं भी तुम पे फोर्स लगाऊंगी। तो वो बुलेट भी क्या करती है? फोर्स लगाती है। किस पे? गन पे लगाती है फोर्स। इस वजह से गन क्या होता है? पीछे की तरफ, क्या होता है? पीछे की तरफ मूव करता है। अब बात यह है कि गन जो फोर्स लगाती है बुलेट पे, तो बुलेट क्या होती है? बहुत तेज वेलोसिटी से या बहुत तेज स्पीड से क्या होती है? वो निकलती, वो जाती है। तो अगर जो बुलेट है उसने जो रिएक्शन फोर्स गन पे लगाया है, तो गन को भी पीछे की तरफ उतनी ही स्पीड से जाना चाहिए था। तो गन क्यों नहीं गया? गन उतनी ही स्पीड से पीछे क्यों नहीं गया? उसका बेसिक ये है कि मास की वजह से। क्या हुआ? मास की वजह से। बुलेट का मास क्या है? बहुत कम है, इसलिए उस पे जो फोर्स लगाया गया तो वो ज्यादा एक्सेलरेट हुई, और ज्यादा एक्सेलरेट होने के चक्कर में वो तेज स्पीड से क्या हुई? बाहर निकली, ठीक। जैसे कि उसने भी सेम रिएक्शन, क्योंकि जितना फोर्स आप गन ने बुलेट पे अप्लाई किया है उतना ही बुलेट भी गन पे अप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे मास फैक्टर है। अब क्या है, गन का मास जो है बुलेट के मास से ज्यादा होता है, तो इसलिए जो गन है वो उतनी फोर्स तो उसको उतना ही लगा जितना कि गन ने बुलेट पे लगाया, फोर्स तो उसको उतना ही लगा गन को भी, लेकिन क्या है कि यहाँ पे गन का मास क्या है? ज्यादा है, इसलिए वो क्या हुई? कम एक्सेलरेट हुई। वो क्या हुई? कम एक्सेलरेट हुई, इसलिए वो स्पीड से पीछे ना जाके, पीछे उस स्पीड से ना जाके वो थोड़ा सा बस पीछे की तरफ रिकॉल होती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं गन्स का रिकॉल, ठीक, ये हो गया। और जैसे कि आपने बलून लिया, बलून में क्या किया? आपने फूक मारी, बलून जो गए पूरा फुल हो गया, ठीक है, हवा भर दी आपने, पूरा फुल हो गया। अगर आप बलून का नॉट, उसका जो मुंह है उसको अगर आप ना बंद करो तो फिर क्या होता है? तब आपने देखा है कि बलून कैसे मूव करता है, उसको जहां मन करता है वो उधर चलता जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एक्शन और रिएक्शन की वजह से। जो आप, जो बलून में हवा थी, एयर थी, ठीक है, अगर आपने उसकी नॉट, उसका मुंह नहीं बंद किया, तो बलून ने क्या किया? एयर पे एक प्रेशर लगाया, एक एक्शन किया।
एक एक्शन किया, उस एक्शन की वजह से जो बलून का जो माउथ था उससे क्या हुआ, एयर बाहर निकली, क्या हुई, एयर बाहर निकली। तो जो अंदर वाली एयर थी उसने कहा कि अच्छा तुम मुझ पे एक्शन करोगे तो मेरा भी रिएक्शन तुम देखो। तो वो क्या करती है, वो भी रिएक्ट करती है। जब वो बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है ना, हर जगह तो एयर ही है, तो एयर पे और एयर आ गई, प्रेशर से एयर आ गई, तो वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी ना। तो वो भी क्या करी, रिएक्ट करी, एयर भी क्या करी, रिएक्शन दी। उसकी वजह से जो बलून होता है वो इधर उधर कहीं भी उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर दूसरा और नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि जब रॉकेट होता है जो, ठीक है, तो वो कैसे उड़ता है, जब क्या होता है रॉकेट के नीचे जो है वो फ्यूल भरा होता है, हाँ, और वो ऐसा फ्यूल होता है जो कि जलने के बाद जो है वो गैस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इतना ज्यादा उसमें से प्रेशर निकलता है, इतना ज्यादा उसमें से गैसेस निकलती है, इतना प्रेशर निकलता है कि वो जमीन पे प्रेस करता है, जमीन पे एक्शन करता है, जमीन पे एक फोर्स लगाता है। तो जमीन भी क्या करती है, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स क्या करती है, रॉकेट पे लगाती है। अब रॉकेट से ही निकल रहा है गैस, रॉकेट से ही जब फ्यूल जो है गैस के फॉर्म में निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है किस पे, जमीन पे। जमीन भी क्या करती है, उसी मैग्नीट्यूड का प्रेशर जो है उस पे रिएक्शन के फॉर्म में रॉकेट पे देती है। तो रॉकेट क्या करता है, अपनी जगह से क्या करता है, वो उड़ जाता है। ठीक, अब क्या हुआ कि अब तो ये तो बात खत्म हो गई कि जमीन से वो ऊपर उठ गया, अब इसके बाद भी वो क्यों उड़ता चला जाता है, उसके बाद भी ये है कि सेम प्रोसेस होता जाता है, लेकिन अब ये सेम प्रोसेस जमीन पे ना होके एयर में होता है। अब ये सेम प्रोसेस क्या होता है, एयर में होता है। रॉकेट से जो निकलने वाली जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, एयर पर प्रेशर बनाती हैं, एयर जो है उसका रिएक्शन देता है, और उस रिएक्शन की वजह से जो रॉकेट है वो लॉन्च होता जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है। बेसिकली जहां जमीन पे लॉन्च के टाइम उसने क्या किया, गैसेस के थ्रू एक प्रेशर बनाया, और उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि एक एक्शन हुआ जमीन पे, उसी सेम मैग्नीट्यूड का जमीन ने क्या किया, एक रिएक्शन दिया, उसने क्या किया, उसने भी एक प्रेशर रिलीज किया, जिससे कि क्या हुआ, फर्स्ट लॉन्च जो हो जाता है वहां पे जमीन से रॉकेट का लॉन्च हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि रॉकेट आपके स्पेस में नहीं पहुंच जाता, ये प्रोसेस चलता रहता है। कहाँ चलता रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हम जो गैसेस हैं, जो एयर्स हैं, उस पे भी वो प्रेशर बनाता है, उस पे भी वो एक्शन करता है, वो गैसेस या एयर जो है उसका रिएक्शन उसको करती रहती है, ये प्रोसेस आगे चलते चलते और हमारा रॉकेट कहाँ पहुंच जाता है, स्पेस में। ठीक है, तो ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है, उसके कुछ ये एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस थे जो मैंने आपको समझाए हैं कि एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये ह्यूमन बॉडी में भी होता है, ये नॉन लिविंग बॉडी में भी होता है, कि आप जो है ह्यूमन बॉडी में भी अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको पलट के एक थप्पड़ मारेगा, अगर आप किसी को पुश करोगे तो वो भी आपको पुश करेगा पलट के, लेकिन वहां पे मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। और हमेशा जो है एक्शन और रिएक्शन के केस में दो बॉडी का होना जरूरी है, एक्शन और रिएक्शन केस में दो बॉडी का होना जरूरी है। आप अपने ही अंदर एक्शन और रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है, आप अपने ही ऊपर इस एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी एक्शन और रिएक्शन है, यानी न्यूटन्स का थर्ड लॉ जहां वहां अप्लाई होगा जहां पे दो बॉडी होगी, जहां पे दो बॉडी होगी, आइदर वो लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग बॉडी हो। ठीक है, दो बॉडी का होना जरूरी है, अगर सिर्फ एक बॉडी होगी तो वहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात ये कि उसमें जो एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स लग रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा, और ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है,
तो अब तो ये हो गया कि मैंने आपको पूरा ये समझा दिया है। अब हम इसका क्या करते हैं, थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। अब देखिए कि जो इसका थ्योरी है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। मतलब कि अगर कोई दो बॉडी है, अगर एक बॉडी जो है एक फोर्स दूसरे बॉडी पे एक्सर्ट करती है, तो वही सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट फोर्स जो है सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे करेगी। इसको अगर आप सिंपल तरीके से या दूसरे वर्ड्स में समझना चाहें तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी इज एक्शन। जो फर्स्ट बॉडी एक्ट फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं एक्शन। फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी इज रिएक्शन, और जो सेकेंड बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, मतलब ये जो एक्शन और रिएक्शन का जो गेम चल रहा है उसके लिए दो बॉडी का होना जरूरी है। नो डिले, मतलब एक्शन और रिएक्शन के बीच में कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होता है, कोई भी टाइम वो नहीं होता है, उसमें कोई भी डिले नहीं होता, जैसे एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ और पोर्शन भी है थ्योरी का, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि है कि एक्शन रिएक्शन पेयर हैज फोर्सेस ऑफ सेम नेचर, मतलब कि एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है वो सेम नेचर का होना चाहिए। ठीक है, सेम नेचर का होना चाहिए। अगर आप किसी को धक्का दे रहे हो तो वो भी आपको धक्का देना चाहिए। ठीक है, ठीक, मतलब सेम नेचर का होना चाहिए। अगर कोई थप्पड़ मार रहा है तो उसका भी एक्शन थप्पड़ ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको कुछ बोल रहे हो। यानी कि जो आपका फोर्स, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसका नेचर सेम होना चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि कोई और फोर्स लग रहा हो और कोई और एक्शन में कोई और फोर्स हो और रिएक्शन में कोई और फोर्स हो। ऐसा इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जिसे बोला जाता है टेबल पे कोई एक डब्बा रखा है, बॉक्स रखा है। ठीक है, तो बोला गया कि जो बॉक्स है वो टेबल पे इसलिए है क्योंकि इसमें एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ। ठीक है, जिसको ग्रेविटी की वजह से लगता है, तो एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। और सेम मतलब कि जो ये टेबल है वो भी क्या कर रहा है, वो भी सेम फोर्स लगा रहा है इसको ऊपर की तरफ, जिससे कि ये इस उस पे टेबल पे टिका हुआ है ये बॉक्स। ये बॉक्स नीचे नहीं गिर रहा है, ये बॉक्स टेबल पे टिका हुआ है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्स है जो टेबल बॉक्स पे लगाता है ये एक नॉर्मल फोर्स होता है, ये एक नॉर्मल फोर्स होता है, ये वो फोर्स नहीं है जिसकी वजह जो इस फोर्स का रिएक्शन हो, इस फोर्स का ये फोर्स रिएक्शन नहीं होता है। ये फोर्स लगता है हमारी अर्थ की वजह से, क्या लगता है, हमारी अर्थ की वजह से। तो अर्थ एक फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रही है, तो अर्थ के अंदर भी एक रिएक्शन फोर्स होता होगा जो इसको सेम नेचर का होता होगा, जो इसको बाहर की तरफ क्या करता होगा, पुश करता होगा। अगर ये जो अर्थ है वो खींच रहा है तो एक और फोर्स इसमें भी होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, ऊपर की तरफ वो कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, जिससे कि क्या है ये उसी पोजीशन में, सेम पोजीशन में क्या है, रुका हुआ है। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो नेचर होना चाहिए फोर्स का, एक्शन रिएक्शन में जो नेचर होना चाहिए फोर्स का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्शन में कोई और फोर्स लग रहा हो और रिएक्शन में कोई और फोर्स लग रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन में सेम फोर्स होता है, सेम नेचर का फोर्स होता है। तो अब हमारा जो जो नेक्स्ट है टॉपिक वो क्या है, फोर्सेस आर कोलिनियर। जो फोर्सेस होंगे वो भी क्या होना चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, वो एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, इधर उधर कहीं भी नहीं होना चाहिए, जो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है वो कोलिनियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको मैंने
अलग अलग एग्जाम्पल्स देके आपको समझा भी दिया है, और इसके थ्योरी में जो छोटी से छोटी चीजें हैं, जो छोटी से छोटी बातें हैं, वो भी आपको मैंने क्लियर कर दी है थ्योरी के उससे मीडियम से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।